बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। थ्री क्लास आज हम जो है काम कर रहे हैं, जो आपको काम करवाया जाएगा वो है बुक ओपन करें, पेज नंबर है 113 जी, 113 पेज नंबर ओपन करें और वहाँ से आपका आपको जो पढ़ाया जाएगा वो देखें। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूँ कि जो है लाइक और अनलाइक जो फ्रैक्शंस हैं वो होती क्या हैं। पहले लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में बता दिया जाए ये करवाने से पहले। सबसे पहले जो है वो आपने जो पेज ओपन किया है 113 जी ओपन हो गया है, तो देखिए वहाँ पे पेज नंबर 112 इसके साथ ही जहाँ से मैं बता रही हूँ आपको, वहाँ पर है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, अनलाइक कौन सी हैं, ये मैं आपको अभी एक लाइन में बता देती हूँ। कहते हैं फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। बच्चे ऐसे फ्रैक्शंस जो कि उनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो उन्हें हम किसका नाम देते हैं, लाइक फ्रैक्शन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर जो है, ऊपर फ्रैक्शन क्या होती है, जब हमारे पास जो दो नंबर ए ओवर बी की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में आ जाते हैं, हम उन्हें फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ये मैं आपको आम वर्ड जो है वो लफ्ज़ों में बता रही हूँ। और इसके बाद देखें, अब अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है जैसे 4/8 एंड 3/8, अब ये देखें 8 जो है इसके जो नीचे 8 है ये डिनोमिनेटर है और 4 जो है ये न्यूमिनेटर है। तो बच्चे अब अगर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है ये सेम हो तो हम इन्हें क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। इसी तरह से बच्चे देखें नीचे अनलाइक जो है, कहते हैं फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो बच्चे ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/2 एंड 1/3, अब ये देखिए ये 2 है और ये 3 है, इसलिए ये सेम नहीं है इनके डिनोमिनेटर, तो ये क्या है, अनलाइक हैं। अब इसके बाद आपको ये बता देते हैं कि अगर हमारे पास टू फ्रैक्शंस हो उनमें हमने ग्रेटर दैन और लेस दैन के बारे में बताना हो तो उसके लिए क्या रूल है, ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जी। यहाँ पे पेज नंबर 113 पे देखें, कहते हैं इन लाइक फ्रैक्शन, अगर हमारे पास टू फ्रैक्शन ऐसी हो जो कि लाइक हो, मतलब उनके डिनोमिनेटर सेम हो, द ग्रेटर द डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। कहते हैं अगर उसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है तो उस फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। जैसे 4/8 है और 3/8 है, 4 इसमें इनके जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमिनेटर जो है 4 बड़ा है और 3 छोटा है, इसका मतलब है 4/8 क्या है, ये बड़ी फ्रैक्शन है। इसी तरह से देखें, कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, इन अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमिनेटर, अगर उनके न्यूमिनेटर सेम है, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर उनके जो है वो स्मॉलर है, छोटे हैं, द ग्रेट इन द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, तो हम कहेंगे उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। ओके देखें जैसे कि एग्जाम्पल में है 1/3, ये देखें यहाँ पे 1/1 न्यूमिनेटर उनके सेम है लेकिन डिनोमिनेटर एक तो 2 है एक 3 है, तो 2 जो है ये देखें से 3 से छोटा है लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये ग्रेटर हमारे पास फ्रैक्शन होगी। अब ये देखें कि इसका पॉइंट देखें, फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन। बच्चे ये साइन जो है जो यहाँ से क्लोज हो उसे आपने ग्रेटर देन कहना है, जो यहाँ से ओपन है, जो इस तरह हमारे पास उल्टा जो वी की फॉर्म में है ये, लेकिन यहाँ से ओपन है इसे आपने ग्रेटर कहना है, जो क्लोज है वो क्या है, लेस देन है। देखिए 1/3 बॉक्स है, कहते बताएं ये बड़ा है कि यहाँ छोटा है, ग्रेटर देन है लेस देन है, किससे, सेकंड फ्रैक्शन जो है 2/3 से। तो अब आपको जो मैंने रूल बताया है उसकी तरफ देखें, जब सेम हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं लेकिन न्यूमिनेटर जो है वो डिफरेंट हों, तो उसमें जो हमारे पास यहाँ पे बच्चे बड़ा होता है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर जो बड़ा होता है हम उसे किसका वो हम फ्रैक्शन कहते हैं कि ये ग्रेटर देन है। तो ये देखें यहाँ से 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम कह सकते हैं 1/3 स्मॉलर है किससे, 2/3 से। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 4/5, तो 4/5 बॉक्स या इसे ब्लैंक कह सकते हैं,
वन ओवर फाइव। अब ये देखिए फाइव, यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमिनेटर फोर बड़ा है किससे, वन से। तो आप कह सकते हैं फोर ओवर फाइव जो है ये ग्रेटर देन है किससे, वन ओवर फाइव से। इसी तरह से पॉइंट टू जो है बाकी इसके बचे आपने खुद करने हैं होमवर्क में, थ्री क्लास बाकी इसके तमाम आपने खुद करने हैं होमवर्क में। अब सेकेंड पॉइंट देखें, फिल इन द बॉक्सेस बाय राइट ग्रेटर देन आर लेस देन। अब ये देखिए इसमें हमारे पास जो है सेम न्यूमिनेटर है लेकिन डिफरेंट डिनोमिनेटर है, इसमें हम सेकंड रूल जो है ये यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक। अब ये देखिए यहाँ पे वन न्यूमिनेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर जो है मैंने बताया है कि वो जितना छोटा नंबर होगा वो उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन होगी, जैसे फाइव है और ये टेन है, वन ओवर फाइव जो है बच्चे वन ओवर टेन से क्या है, ये वन ओवर फाइव वन ओवर टेन से ग्रेटर है क्योंकि फाइव जो है यहाँ पे लेकिन डिनोमिनेटर में है, ये है तो छोटा टेन से लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है इसकी वैल्यू बड़ी है, ये ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ग्रेटर देन। इसी तरह से वन ओवर फोर एंड वन ओवर थ्री है तो बच्चे वन ओवर न्यूमिनेटर सेम है, ग्रेटर देन जो है यहाँ पे ये फोर और ये थ्री है तो हम राइट करेंगे वन ओवर फोर ग्रेटर देन वन ओवर जो है सॉरी यहाँ पे लेस देन आएगा क्योंकि वन ओवर फोर जो है ये क्या है इससे छोटा है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लेस देन, जी वन ओवर फोर लेस देन वन ओवर थ्री, जी ये इससे छोटा है, बाकी इसके तमाम जो बॉक्सेस हैं आपने खुद फिल करने हैं। लास्ट में जो है इसमें सिर्फ कलर करना है, अपने मनपसंद का आपने कलर ले लेना है, जो आपको पसंद है तो वही आपने इसमें कलर करना है। कलर क्या करना है, कलर द बॉक्सेस विद विच आर करेक्ट, इसमें जो सही है आपने उसे क्या करना है, कलर करना है। जैसे कि वन ओवर सेवन लेस देन सिक्स ओवर सेवन, तो कहती है वन ओवर सेवन जो है क्या ये छोटा है सिक्स ओवर सेवन से, तो बच्चे देखिए यहाँ पे अगर जो रूल था वो ये था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर अगर इनमें से जो है वो अगर ये सेम होंगे तो न्यूमिनेटर अगर बड़ा या छोटा होगा तो फिर हम ये फर्क बता सकते हैं इनकी वैल्यूज़ के बारे में। तो वन देखिए छोटा है, सिक्स क्या है बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि वन ओवर सेवन छोटा है सिक्स ओवर सेवन से, तो ये क्या है करेक्ट है। तो आपने अपनी मनपसंद का कलर लेना है और इसमें आपने फिल कर देना है, बाकी बॉक्सेस भी आपने ऐसे ही अपनी मनपसंद कलर से करने हैं। तो थ्री क्लास आज के लिए इतना ही, डायरी जरा नोट करें, पेज नंबर 113 होमवर्क प्लस प्रिपेयर, इसे आपने तैयार भी करना है और होमवर्क बुक पे ही करना है। तो आज के लिए इतना ही थ्री क्लास, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।